हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास कक्षा 6 के लिए मैथ्स की अभ्यास 7 बी ज्यामितीय अवधारणाएं। बच्चों, अब हम इस वीडियो में रेखा, रेखाखंड और किरण को समझेंगे कि ये क्या होती है और इनके साथ काम करना किस प्रकार हम आसान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि बच्चों, हमने कोई भी एक पॉइंट लिया है ना, और हम खींच रहे हैं अब एक लाइन, है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रेखा मेरी सीधी होती है ना। ये जो मेरी रेखा है ये सीधी रेखा है, और जिसके दोनों विपरीत दिशाओं में ये जो रेखा का विस्तार है वो अपरिमित रहता है। मतलब कितना भी हम उसे नाप नहीं सकते, बहुत दूर तक रहता है ना, अपरिमित रहता है। और रेखा में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगाना चाहूँ लग जाएगा, यहाँ लगाना चाहूँ लग जाएगा, यहाँ इस तरफ लगाना चाहूँ तो वो भी लग जाएगा, है ना, यहाँ भी लग जाएगा। तो कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। रेखा के किसी एक भाग को रेखाखंड कहते हैं। अब जैसे कि ये ए और बी, तो ये रेखाखंड है। बी और एफ के बीच में भी ये रेखाखंड है, एफ और सी के बीच में भी ये रेखाखंड है। तो इसमें दोनों ओर एंड पॉइंट होते हैं। जैसे रेखाखंड मान लीजिए मेरा ए और बी है, तब इसके एंड पॉइंट ए और बी हो गए। मान लीजिए रेखाखंड मेरा बी और एफ है, तब मेरे एंड पॉइंट बी और एफ हो गए। ठीक है, ज्यामिति में रेखा से अभिप्राय संपूर्ण रेखा से होता है, ना कि उससे किसी भाग से। मतलब कि ये जो पूरी रेखा खींची गई है, ये पूरी रेखा एक रेखा है ना। तो बच्चों, इससे क्या पता चलता है, ज्यामिति में जो रेखा है इसका मतलब इसका संपूर्ण भाग रेखा का होता है ना। खंड को हम रेखा नहीं कहेंगे, हम रेखा पूरी रेखा को कहेंगे, उसके संपूर्ण भाग को हम रेखा कहेंगे। ठीक है बच्चों। अब बच्चों, रेखा, रेखीय बिंदु क्या होता है, संरेक बिंदु क्या होते हैं। तो जब बच्चों एक ही तल में स्थित तीन या तीन से अधिक बिंदु होते हैं तो वह रेखीय बिंदु कहलाते हैं या संरेक बिंदु कहलाते हैं। अब बच्चों, किरण क्या होती है। अब किरण वो होती है बच्चों कि जैसे कि हमने कोई पॉइंट से निकाला है ना, और दूसरा हमने फिर पॉइंट लिया है ना। तो हमारा प्रारंभिक पॉइंट तो होता है, माना कि जैसे मेरा बी यहाँ पर प्रारंभिक पॉइंट है और ए से होती हुई वो किरण जा रही है, तो एक तरफ का प्रारंभिक पॉइंट तो होता है लेकिन उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, वो दूसरा सिरा उसका अपरिमित होता है। तो बच्चों, इसे हम किरण कहते हैं। बच्चों देखो, एक बिंदुगामी रेखाएं क्या होती हैं। समतल पर कोई भी तीन रेखाएं लेने पर कोई भी चार स्थितियों में से एक स्थिति जरूर बनेगी, अवश्य बनेगी। तो पहला है कि मानो तीनों रेखाएं ये जो हैं हमारी, ये एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं, है ना। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये हो सकती है कि तीनों रेखाओं में से दो रेखाएं तो आपस में समानांतर हैं और तीसरी रेखा उन्हें काट रही हो, उन्हें प्रतिच्छेदित कर रही हो, तो ये भी हो सकता है। और बच्चों, तीसरा ये होता है कि इनमें से तीनों रेखाएं आपस में समानांतर ना हो लेकिन वो प्रत्येक दो को एक दूसरे पर काट रही हो, प्रतिच्छेदित कर रही हो। और बच्चों, चौथा पॉइंट ये होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी, तीनों रेखाओं में से कोई भी आपस में दो रेखाएं समानांतर ना हो लेकिन वो एक पॉइंट से होकर के जा रही हो, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये सभी एक बिंदुगामी रेखाओं की पॉसिबिलिटी है, ऐसी स्थिति बन सकती है। तो बच्चों, क्या समझ में आया कि एक ही तल में यदि तीन या अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाएं तो वे एक बिंदुगामी रेखाएं कहलाती हैं और ये बिंदु उनका संगमन बिंदु कहलाता है। अब बच्चों देखो, खुली और बंद आकृतियां क्या होती हैं। अब जैसे कि ए बी सी तीन पॉइंट है, तीन पॉइंट से होकर के रेखाएं जा रही हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, खुली आकृति है ना। जैसे कि ये ऐसे आ गई तो ये हमारी खुली आकृति है ना, ये हमारी खुली आकृति है। लेकिन अगर हमने इसको ऐसे बंद कर दिया है ना,
बी सी डी करके हमने इसको बंद कर दिया। तो अब ये जो अंदर की आकृति है ये हमारी बंद आकृति है। बच्चों हम अपनी अभ्यास 7B को करना सीखेंगे। अब बच्चों यहाँ पहला प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। तो मैंने माना कि ये रेखा खींच दी, ये रेखा खींच दी। अब इसका नाम मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, आर लिख दिया तो ये मेरी रेखा हो गई और इस रेखा का नाम क्या है, आर। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, अपने आसपास में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण बताइए, उदाहरण दीजिए जिनसे रेखाओं के उनके भाग का बोध होता है। ठीक है, तो पहला आप उदाहरण लिख सकते हैं जैसे कि मेज, मेज है हमारे हमको दिखाई देती है। दूसरा हमारे पास चटाई जिस पर हम बैठते हैं, ठीक है। तीसरा हमें समझ में आता है श्याम पद, जो हमारा ब्लैक बोर्ड है वो भी हमारा रेखा उसमें हमें दिखाई देती है। अब बच्चों तीसरा है, रेखा और किरण में अंतर चित्र खींच कर स्पष्ट कीजिए। तो जैसे कि बच्चों हमने माना कि 2 रेखाएं खींची है ना, तो आप इससे समझ जाएंगे कि अगर हम यहाँ पर एक ए पॉइंट और यहाँ पर एक बी पॉइंट लेते हैं, तो इन पॉइंट से, इन बिंदुओं से रेखा इधर भी अपरिमित होती है और रेखा इधर भी अपरिमित होती है। और ये तो हो गई मेरी रेखा, ये मेरी क्या हो गई, रेखा। अब किरण वो होती है बच्चों जिसका प्रारंभिक पॉइंट तो होता है लेकिन बाद वाला पॉइंट नहीं होता है ना। यहाँ से अगर वो निकल रही है तो कहाँ तक पहुँच रही है, वो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। तो ये हमारी क्या है, किरण। क्या है बच्चों, बोलिए, किरण। बच्चों चौथा प्रश्न है, दिए गए प्रारंभिक बिंदु A और एक अन्य बिंदु B से होकर जाती हुई एक किरण खींचिए। तो बच्चों जैसे कि हमने एक किरण खींची तो अब हम क्या करेंगे कि इसका पहला प्रारंभिक बिंदु A है और मान लीजिए ये मेरा B बिंदु से होती हुई किरण जा रही है। ठीक है बच्चों, आया समझ में। तो बच्चों अब आपकी यहाँ पर ये अभ्यास कंप्लीट होती है। कोई भी आपका यदि अभी भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आंसर करूँगी। ऑल द बेस्ट।